वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गली के अंदर आके मैं अपना इंट्रो शूट कर रही हूँ। घर से हम लोग निकल चुके हैं। आज है महाशिवरात्रि, आज महाशिवरात्रि है। हम लोग उसी के मंदिर के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग कली का वेट कर रहे हैं। जब हम वहाँ मंदिर पहुँच जाएंगे तब आपके लिए यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग आएंगे, मुझे घूरेंगे कि क्या कर रही है क्या कर रही है। और अगर ये व्लॉग मेरे मामा ने देखा, वो तो इतनी छोटी सोच के ना कि मैं क्या ही बताऊँ। बट छोड़, हम किसी आलतू फालतू लोगों की बात नहीं करेंगे, हम इन बच्चों की बात करेंगे। देखो ये खुशी तैयार है, ये भी तैयार है, ओरा बाबू आदि जो कि भाग रहे हैं। हम लोग कली का वेट कर रहे हैं, कली आ जाए तो हम लोग मंदिर के लिए निकले। तो मैं अभी जाके आपको मंदिर में दिखाती हूँ कैसा है मंदिर है और क्या है। छोटा सा मंदिर है, अच्छा बड़ा हो गया ना, मतलब वही वाला मंदिर बहुत पुराना। मैं ये मेरा पाँचवा छठा या सातवां शिवरात्रि जो मैं यहाँ मना रही हूँ अपने नाना के यहाँ। आई एम सो हैप्पी। मुस्कान पर पकड़ो ऐसे फिक्स, हाँ यहीं रहो, थोड़ा पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। और ये मैंने पहना है, थोड़ा नीचे करो फोन। हाँ ये मैंने पहना है आज। वैसे तो मैं वहाँ पे जाकर ब्लॉग इन लोगों को कैमरा दे दूँगा तो ये लोग करेंगे शूट, तब आपको देखना मैंने क्या पहना, ठीक है। अभी हम वेट करते हैं, चलते हैं उसके बाद। हम लोग रास्ते में हैं, देखो मेरा फूल जो हमने तोड़ा अभी, और अभी कली और तोड़ रही है पूजा के लिए। चल मेरा रोज। हाँ बेटा ये पकड़ो ना, बड़ा के लोगन को भेजती हो। हाँ। तो एक महीने में 20,000 रुपए मिलते हैं आपको। अरे बाप रे, तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा, बताइए। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, मत मैं बाद में समझाऊंगी। ये वो गांव, पता नहीं अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की भीड़ लग गई है। भीड़ लगी है, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी हम मंदिर जा रहे हैं, हम मंदिर जाके मिलते हैं आपसे। कुछ दिख रहा होगा आपको, ये है वो मंदिर। और ये पेड़ बहुत पुराना है, मुझे नहीं पता कितना पुराना है बट बहुत पुराना है। ये रहा मंदिर, हो रहे वो लोग पूजा कर रहे हैं कली खुशी। उधर पीछे हमारी नानी का ही घर है, मतलब मेरी जो मेरी जो नानी थी ना, उनकी कोई मतलब कजन सिस्टर का घर है ये, मेरी नानी के कजन सिस्टर का ससुराल है ये। और यहाँ ये लोग पूजा कर रहे हैं। ये नंदी जी हैं, अंदर शिव जी हैं, ये शिव जी चल चढ़ाया जा रहा है। इधर है घर भर पूरा मंदिर। हम लोग पूजा कर चुके हैं, अब हम मंदिर से आगे जा रहे हैं अपने मलुई पे, जहाँ मैंने आप अगर आपने कल वाला व्लॉग देखा होगा तो मैंने आपको दिखाया था हमारा मलुई एक है जो रोड पे घर है वो। और अब हम लोग मलुई जाएंगे, उसके बाद वहाँ से घर जाएंगे। और अभी हमने कुछ नहीं खाया, बस मैंने एक मंदिर से प्रसाद लिया था, किसी और ने चढ़ाया था तो वो प्रसाद मैंने उठा के खा लिया यार। और इससे कुछ होता नहीं होगा, मतलब भगवान जी का प्रसाद ही था, उठा के खा लिया, किसी और ने चढ़ाया था ताकि भगवान जी खाएं, तो भगवान जी के बच्चे हमें तो हमने खा लिया, क्या दिक्कत है ना।
तो चलो चले घर, चले घर नहीं मलुई चले। आ गए हम लोग मलुई। ये हमेशा ऐसे चिल्लाते हैं, पागलों की तरह बकलोलों की तरह। ओ वो देखो वो चढ़ रही है, जल्दी जल्दी जा, जल्दी जल्दी मुस्कान, मुस्कान वहाँ पे ऊपर है, एक है मस्त एकदम करकट वाले ऊपर, उधर उधर उधर। हाँ ये गो मुस्कान गो, ऐसे ही तो ऊपर चढ़ चढ़ के तोड़ते, पहले मैं भी चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ती, अब मतलब बड़े हो गए क्या चढ़े, पेड़ भी बहुत हल्का होता है, मे भी टूट जाए इसलिए अभी नहीं चढ़ते। और मुस्कान अभी तोड़ रही है, आ रही हूँ आ रही हूँ। और ये है बाहर का पूरा, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ है, इधर बगल में एक शॉप है फर्नीचर की, वो हमारे नाना जी थे लेकिन उनकी डेथ हो गई। और उधर भी है सब कुछ, देख लो दिख रहा। अरे अभी रास्ते में भी एक मंदिर पड़ेगा, पूछे हम लोग वहाँ क्यों नहीं गए, वो मंदिर भी बहुत अच्छा है। हाँ बर्मा बाबा का मंदिर है, वहाँ भी जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपको वो मंदिर दिखाऊंगी। तब तक के लिए ब्लॉग देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 528 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे, सब्सक्राइब कर दो। चुप रहो हाँ, तो ये मंदिर यार, लेकिन बेचारा इसमें बहुत धूल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब जस्ट बगल में रोड है ना, इसलिए बहुत धूप है यहाँ पे, कोई मामी या नानी पूजा कर रही है। हाँ बेटा मेरे हाथ का नींबू पानी वाला रस पियोगी ना? हाँ पूजा तो हमने कर ली, अब मतलब व्लॉग चल रहा था ना, अब हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद पूरे दिन में बस खाली पता है क्या होगा, ये सब मुझसे कहेंगे दीदी खेलो ना, दीदी खेलो ना, और मैं थोड़ी देर नाना के, पर दीदी क्या करेंगी, बेटा सोने दो ना, बेटा सोने दो ना। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर नाना के साथ, मैं मतलब पूरे दिन में कुछ टाइम तो नाना के साथ रहती ही रहती हूँ, उनको मैं कुछ जैसे वो बैठ के कुछ सोचने लग जाते ना, मैं तुरंत उनको टोकती हूँ, नाना क्या सोच रहे हो, कहीं कुछ ना बातची, बहुत अभी हम लोग रोड पे चल रहे हैं। बैम्बू खा रही, लगता है कितने दिन बाद मिला है राक्षस। जिस वाले पेड़ को हमने दिखाया ना, वो मतलब उसमें बहुत सारे उगते थे, पर अभी थोड़े कम हो गए दीदी, नजर लग गई और मैं देखो पड़ घर आ गए। और ये भाई साहब भी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ता है, हमारा शेर। अभी नाना अंदर है, काम वाम हो रहा है, इधर का बहुत अच्छा है, देखो वो इतने सारे पपीते लगे हुए हैं, ये एंट्रेंस, उधर मिस्त्री अंकल काम कर रहे हैं, गैया बैठी है, मतलब ये नाना का जो घर है ना, ये टिपिकल गांव है, टिपिकल गांव एकदम। मैं लूडो जीत गया, आई एम विनर। अभी हमने एक लूडो का मैच खेला जिसमें फर्स्ट ये थी, सेकंड मैं थी, थर्ड ये था, फोर्थ वो थी, और हमारे साथ कली नहीं रह रही है क्योंकि आज उसका पास क्योंकि आज उसका व्रत है और वो थोड़ी सी थकी वकी होगी, मैं भी उधर टीवी देख रही है। और मैंने आपको कहा नहीं, मैंने आपको नहीं बताया ना, जब घर में कोई नया सदस्य आता है ना, तो ये जो शेरू है ना, शेरू ये भाई साहब, ये पूरे टाइम जहाँ वो इंसान रहेगा उसी के पास जाके बैठेगा। मैं अभी यहाँ पे चल के चलने लग जाऊंगी ना, तो पीछे पीछे तुरंत उठेगा और चलने लग जाएगा मेरे साथ साथ। अभी तो नहीं, फिर कभी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं उठने का मन नहीं कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बुरा मार दूंगी अभी, मैं मारती हूँ कूड़ देती हूँ, ऐसे ही लोग। और पता है जब मैं बस में आ रही थी ना, तो मेरे को अभी एक चीज याद है, आपसे बता रही हूँ, बस में कुछ लोग बात कर रहे थे मोदी के बारे में, सब पता है वो लोग क्या सोचते हैं, सोचते हैं कि मोदी कोरोना लाया है, मोदी जब मन करता है कोरोना ला के स्कूल बंद कर देता है, चुनाव रहते तो कोरोना को भगा देता है, मतलब हर काम यहाँ के लोगों को लगता है कि मोदी करता है, मोदी ही सब कुछ करता है। और ना मैं इस गांव का व्लॉग थोड़ा सा शूट करूंगी, जब परमिशन लूंगी नाना से तभी, बिना परमिशन के नहीं करूंगी, वरना जो दूसरे लोग हैं ना वो फालतू में चुगली करेंगे मम्मी से पापा से। और मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही महान बनता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है छोटा, लेकिन अपने आपको ऐड दिखाएगा जैसे कि बाप रे मैं पता नहीं क्या कर दिया, इसलिए अब तो मैं नाना से परमिशन लेके तब गाँव का व्लॉग शूट करूँ। गाँव का व्लॉग मतलब आपको दिखाऊंगी, कच्चा घर भी है उधर, पूरा बिल्कुल गांव जैसा एरिया है। मेरी दादी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था ना यार, ऐसा कहाँ था मेरी दादी के, पर यहाँ है तो यहाँ का दिखाऊंगी, ठीक है। और इस ब्लॉग को आज के दिन को यानी
1 मार्च 2022 के ब्लॉग को मैं यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना खुशी। अब हम लोग थोड़ी देर ज़्यादा सोएंगे या तो उठेंगे, कुछ इधर उधर टीवी भी देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद नाना वो जो मिस्त्री जी लगे हैं चले जाएंगे, फिर खाना बनेगा शाम के टाइम में, फिर कुछ नहीं होगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे 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 फालतू ही, ये लोग फालतू ही। आदि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो, ठीक है? पैसा भी मिल जाओ तो पैसा भी मिल जाओ।